दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन खेला जा रहा है, तो आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और आज दोनों टीम आमने सामने चेन्नई के चिदंबरम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मुकाबला शुरू हो चुका है और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले ही दिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली को बांग्लादेशी गेंदबाजों ने खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जहां इस मैच की शुरुआत हुई बांग्लादेशी टीम टॉस जीतने के साथ में भारत के कप्तान रोहित शर्मा को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए एक विशाल इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर उतरे खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने शुरू में बांग्लादेश के फास्ट गेंदबाजों को सम्मान दिया, क्योंकि दिन के शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश से जीते, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 2 लाइक्स है, तो वीडियो को दिल से 1 लाइक जरूर करें, जिसके वजह से रन भी आसानी से नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर भी यशस्वी जायसवाल आज काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। इंडिया की टीम को बांग्लादेश के गेंदबाज हसन महमूद नजमून हुसैन के हाथ कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आखिरकार यशस्वी जायसवाल के साथ निभाने आए शुभमन गिल भारत के लिए काफी कुछ अच्छा नहीं किया था, अपनी टीम के लिए 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों अब आपको बता दें, हमारे भारत के किंग विराट कोहली यशस्वी जायसवाल के साथ बेहतरीन शुरुआत करने के इरादे दे उतरे थे, लेकिन बांग्लादेशी मॉडल गेंदबाजों के सामने ज्यादा समय तक नहीं चल पाए, जिसके बाद 15वां ओवर लेकर आए हसन महमूद ने ओवर की आखिरी गेंद पर लिटन दास के हाथ कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब भारत की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण 50 की साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद में यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोले और कुछ अटैकिंग शॉट खेलकर स्कोर में इजाफा किया। जायसवाल अब अच्छे लय में आ चुके थे, उनको ऋषभ पंत का भी अच्छा साथ मिल रहा था और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। कुछ टाइमिंग भरे चौके लगा लगाए, जिसका फैंस भी भरपूर मजा उठा रहे थे, और अब पहला सेशन भी समाप्त होने के कगार पर आ चुका था। लेकिन सेशन के समाप्त होने से पहले भारत को एक और झटका लग गया, जहां हसन महमूद ने इंडिया को 3रा झटका दिया, जहां आपको बता दें कि गिल ने भारत के लिए 0 रन बनाए और विराट कोहली 6 रन बनाए। इंडिया के रन बोर्ड पर 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा, लेकिन दोस्तों बल्लेबाजों ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया। यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाए और ऋषभ पंत 30 रन बनाकर तूफानी रफ्तार से बांग्लादेश के हर एक एक गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें, चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में मूसलाधार बारिश होने लगी और इसी के साथ मैच के पहले दिन का सत्र समाप्त कर दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत मिलकर आपकी टीम के लिए कितना रन बनाए? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे बीके स्पोर्ट्स क्लब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।